कक्षा 11 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय साखी, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इस वीडियो में हम आपको साखी शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। आइए देखते हैं पहला पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीर ने गुरु की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। वे कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी अर्थात निष्ठावर, गुरु अर्थात गुरु, आपने अर्थात अपने, दोहाड़ी अर्थात दिन, कै मतलब कितने, बार मतलब बार। वह कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर निछावर हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने गुरु पर बार बार निछावर हो जाऊँ, फिर भी मुझे संतोष नहीं होगा, क्योंकि जिनी मानिस तय देवता, मानुष्य अर्थात मानिस से तात्पर्य मनुष्य, तय अर्थात से देवता यानी भगवान, करत न लागी बार, करत न लागी बार यानी थोड़ी सी भी देरी नहीं की। वे कहते हैं कि मुझे संतोष नहीं होगा जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देरी नहीं की। अर्थात ज्ञान का उपदेश देकर मेरे गुरु ने मुझे क्षण भर में मुक्त कर दिया। एवं पुनः आप पूरे पद्यांश का हिंदी अनुवाद देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपने दुहाड़ी के बार, चिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु पर कितनी ही बार क्यों न निछावर हो जाऊं, परंतु मेरे मन में संतोष नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की। अर्थात उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर मुझे क्षण भर में ही मुक्त कर दिया। दूसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। प्रस्तुत साखी में कबीर की गुरु महिमा संबंधी साखियों से अवतरित है। इसमें गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, महिमा अर्थात कृपा, अनंत अर्थात अपार, उपगार का अर्थ है उपकार, लोचन अर्थात नेत्र, उघाड़िया अर्थात खोल देना। प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सचमुच सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, उनके उपकार की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत लोचन अर्थात ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया और उस अनंत दिखावनहार ब्रह्म अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया। तीसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाव होना, बहुरी न आओ हट। अघट का अर्थ है कब न होने वाली, विषावना का अर्थ है खरीद बिक्री, बहुरी का अर्थ है फिर, हाट हट का अर्थ है बाजार। प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीर ने यह बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के
जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। वे कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है। तेल भरी उसमें भगवत भक्ति अर्थात स्नेह तेल भर दिया है। बाती दई अघट और उसमें कभी भी कम न होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी बत्ती डाल दी है। पूरा किया विषा होना, इस प्रकार उस दीपक के उज्ज्वल प्रकाश में मैंने संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय विक्रय अर्थात अपने संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया है। बहुरी न आओ हट, अब इस संसार रूपी बाजार में मुझे लौट कर फिर से नहीं आना पड़ेगा। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से मेरे जन्म मरण का चक्र छूट गया। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा पद्यांश जो कि इस प्रकार है, बूढ़े ते परि उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देख्या जड़ जरा उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े ते परि उबरे, बूढ़े का अर्थ है डूबे, उबरे अर्थात बच गए। गुरु की लहरी चमकी, चमकी अर्थात चमक या प्रकाश। भेरा देख्या जर्जरा, भेरा का अर्थ है नाव का बेड़ा। जर्जरा अर्थात कमजोर। उतरी पड़े फरंगी, उतरी अर्थात उतर गए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने गुरु की कृपा के महत्व को बतलाते हुए उससे शरीर बंधन से मुक्त होने का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि बूढ़े थे पर उबरे, हम संसार रूपी सागर में डूब गए थे। गुरु की लहरी चमकी, किंतु गुरु कृपा की लहर की चमक से बच गए। भेदा देख्या जड़ जरा उतरी पड़े फरंकी, और उस ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी बेड़ा अर्थात जिस पर हम बैठकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं वो इतना कमजोर है कि किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। और यह जैसे ही हमें ज्ञात हुआ उतरी पड़े फरंकी, हम कूदकर उस बेड़े अर्थात नौका से उतर पड़े और बच गए। प्रस्तुत पद्यांश का भाव यह है कि गुरु की कृपा से जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही हमें मालूम हो गया कि यह शरीर नाशवान है अर्थात नष्ट हो जाने वाली है, तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया। पांचवा पद्यांश जो कि इस प्रकार है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। नाव अर्थात नाम, हरि अर्थात भगवान, और न चिंता दास जे कुछ चितवे, चितवे अर्थात दिखाई देना, बिन अर्थात बिना। सोई काल की पास, काल की पास का अर्थ काल की बंधन। प्रस्तुत साखी में ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहा है कि इस दास को तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता है और न चिंता दास, और इस हरि की दास को किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जे कुछ चितवे राम बिन, इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सुई काल की पास, बस सब काल के बंधन में बंधा हुआ है। अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है।
अतः उसी का चिंतन करके मोक्ष पाना संभव है। अगला पद्यांश, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई चित देखूं तित्तो। तू अर्थात तुम यानी परमात्मा, हूँ अर्थात अहंकार, बारी फेरी से तात्पर्य जन्म मरण का क्रम। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अद्वैत रूप परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को सर्वत्र उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि हे परमात्मा, मैं तू तू की रटता रहा और तुझ में ही विलीन होकर स्वयं मैं भी तू ही हो गया। अर्थात अब मुझे अपने अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता। बारी फेरी बली गई, फलस्वरूप मेरा जन्म मरण का चक्र जल गया अर्थात समाप्त हो गया। और जन्म मरण का जैसे ही चक्र समाप्त हुआ, जित देखूं तित तुम, अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तुम ही तुम दिखाई देते हो, अर्थात सर्वत्र तुम्हारा ही दर्शन होता है। सातवां पद्यांश जो कि इस प्रकार है, कबीर सूता क्या करे काही न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। सूता अर्थात सोता हुआ, काही न से तात्पर्य क्यों नहीं, बिछुड़िया अर्थात अलग हुआ। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीव को अज्ञान निद्रा को त्याग कर परमात्मा में लीन होने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी स्वयं अथवा जीव से कहते हैं कि हे जीव, कबीर सूता क्या करे, तू अज्ञान की निद्रा में खोया हुआ क्या कर रहा है, काहे न देखे जागी, तू जाग कर सत्य का दर्शन क्यों नहीं करता, जाकी संगते बिछुड़िया ताही की संग लागी। अरे जीवन, अज्ञान के बंधन में पड़कर तू जिस ब्रह्म से बिछुड़कर अलग हुआ था, ज्ञान प्राप्त करके अब उसी के साथ क्यों नहीं लगता, अर्थात उसी ब्रह्मा में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए। केसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, राती दिवस की कूकने कबहू लगे पुकार। केशो अर्थात केशव, कुकी अर्थात पुकारिए असरार अर्थात आलसी होकर, राती अर्थात रात, दिवस अर्थात दिन, कूकनी अर्थात पुकारते, कबहू अर्थात कभी न कभी। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने भगवान नाम के स्मरण पर बल देते हुए कहा है कि हे जीव अर्थात हे मनुष्य, तुझे राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर संसार की अज्ञान निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए। ना सोइए असरार यानी आलस्य में पड़कर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि राती दिवस की कूकने कबहू लगे पुकार, क्योंकि जब तू रात दिन उन्हें अर्थात परमात्मा को पुकारता रहेगा तो कभी न कभी तेरी पुकार भी अवश्य सुनेंगे, अर्थात तुम्हारी पुकार कभी निष्फल नहीं होगी। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मार अर्थात लुटेरे, दीदार अर्थात दर्शन, दुर्लभ अर्थात अत्यंत कठिन, लंबा अर्थात लंबा, विकट पंथ अर्थात कठिन मार्ग,
इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही लंबा है। ईश्वर का निवास स्थल बहुत ही दूर है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अत्यंत ही कठिन है। कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, उसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या आदि अनेक बटमार हैं जो जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, वह तो अत्यंत दुर्लभ है। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है, यहूतन जालो मसी करो लिखो नाम का नाव, लेखनी करूं कलंक की लिखी लिखी राम पठाऊं। मसी अर्थात स्याही, लेखनी अर्थात लेखनी, करंक अर्थात हड्डी। इस साखी में कबीरदास जी परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उसके विरह में सर्वस्व समर्पण करने को तैयार आत्मा की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर को विरह अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी, हड्डियों की कलम बनाऊंगी, करंक अर्थात हड्डियों की लेखनी या कलम बनाऊंगी और उसी से अपने प्रियतम राम का नाम लिखकर उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाछरा मोपे सहा न जाई। मीच अर्थात मृत्यु, आपा अर्थात आत्मस्वरूप, के अर्थात अथवा। इस साखी में कबीर ने कहा है कि जीवात्मा रूपी विरहणी से अब आठों पहर का विरह सहा नहीं जा रहा है। वे कहते हैं कि हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी विरहणी को या तो अपना दर्शन दो अथवा जान से मार ही दो। कै विरहणी को मीच दे, या तो इस आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु दो अर्थात अपने आप का दर्शन करा दो, क्योंकि आठ पहर का दासना मोसी सहा न जाए। आठों पहर यानी दिन रात इस प्रकार विरह में दग्ध होना यानी चलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। रमैया अर्थात राम, नैनू अर्थात आँखों में, सिंदूर अर्थात सिंदूर, काजल अर्थात काजल, दूजा अर्थात दूसरा। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपनी आत्मा में परमात्मा के अस्थाई प्रभुत्व का उल्लेख किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई, ठीक उसी प्रकार जिन नेतों में राम रमण कर रहे हों उसमें दूसरा कैसे आ सकता है। अर्थात अब मुझ पर भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगली पंक्तियाँ जो कि इस प्रकार हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे सुनी सिसरगढ़ माही। सायर अर्थात सागर, नाही अर्थात बिना, सीप सीप स्वाति बूंद, कबीर मोती नीपजे, नीपजे अर्थात उत्पन्न होना, सुनी सिसरगढ़ माही, सुनी सिसरगढ़ अर्थात शून्य शिखर यानी ब्रह्मारंध्र। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपने योग परक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति प्रदान की है। कबीर नाथों और सिद्धों के योग से प्रभावित हैं, वे ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधन को आवश्यक मानते हैं।
हठ योग की रहस्य अनुभूति का चित्रण करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, सायर नाही सीप बिन, सायर नाही अर्थात बिना सागर, सीप बिन किसी सीपी, स्वाति बूंद भी नाही और बिना स्वाति नक्षत्र के, जल के भी कबीर मोती नीपजे। सुनी सिसरगढ़ माही, सुनी सिसरगढ़ माही अर्थात शून्य सिसरगढ़ में ब्रह्मानंद मोती नीपचे, मोती उत्पन्न होते हैं अर्थात बिना सागर किसी सीपी और बिना स्वाति नक्षत्र के, जल के भी शून्य सिसरगढ़ में ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म चेतना के मोती उत्पन्न होते हैं। मोती उत्पन्न होने से तात्पर्य विवेक उत्पन्न होने से है। पानी हिते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाई। इस साखी में कबीर ने आत्मा को परमात्मा का ही माया मंडित रूप बताया है। पानी अर्थात पानी, हिम अर्थात बर्फ, पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ फिर पिघलकर पानी बन जाता है और अपनी वास्तविक रूप में आ जाता है। उसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है जो माया के कारण पृथक प्रतीत होती है और माया के हटने पर वह पूर्ववत हो जाया करती है। अगली पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, पंख की उदाणी गगन को प्यंत रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। प्यंत अर्थात पिंड अर्थात शरीर, चंच अर्थात चोंच, बिन अर्थात बिना, पंखी अर्थात पक्षी। इस साखी में कबीर ने साधना स्वरूप परमात्मा प्राप्ति की स्थिति का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि यह आत्मा रूपी पक्षी सहस्त्रनार चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ जाता है, प्यंत रहा परदेश, और यह शरीर बिना आत्मा के यही रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, और आत्मा रूपी पक्षी सहस्त्रनार चक्र में जाकर इंद्रियों से परे हो जाता है और बिना चोंच के ही ब्रह्मानंद रूपी जल को पीता है। भूल गया यह देश, और इस शरीर को भूल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी ब्यास। बाश पिंजर अर्थात शरीर, अंतरी अर्थात हृदय में या मन में, उजास अर्थात प्रकाश, मुखी अर्थात मुख में, महमही अर्थात सुगंध। कबीर का मत है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। प्रस्तुत साखी में ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, अंतरी भया उजास, और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुखी कस्तूरी महमही, मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। बाड़ी फूटी ब्यास, और बाड़ी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकले। नैनम अंतरी आवतूं, ज्योहो नैन झपेऊं, ना हो देखूं और रुकूं, ना तुझ देखन देहूं। नैनम अर्थात आँखों में, अंतरी अर्थात अंदर, आओ अर्थात आओ, ज्योहो नैन झपेऊं,
झपेऊँ अर्थात बंद करूँ। ना हूँ देखूँ और को ना तुझ देखन देहूँ। इस साखी में कबीर आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि हे परमात्मा, जो ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, नैनम अंतरी आवतू, ठीक उसी समय तुम मेरी आँखों में आकर बैठ जाओ। ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देहूं, जिससे ना मैं किसी और को देखूं और ना ही तुझे किसी और को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। यहाँ पे प्रेम का चरम उत्कर्ष दिखाया गया है। कबीर हरिरस यूं पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। हरिरस अर्थात ईश्वर भक्ति रस, थाकी अर्थात प्यास, चाकी अर्थात कुम्हार का चाक। मनुष्य तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। कबीर ने यहाँ इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छककर पिया है कि मेरे मन की स्यानी तृष्णा समाप्त हो गई। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़े ही चाकी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा चपक जाता है तो उसे फिर से चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। हेरत हेरत हे सखी, राहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत, हेरत अर्थात खोजना, हिराए अर्थात खो गया, कत अर्थात क्यों। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हे सखी अर्थात हे संतो, मैं परम तत्व को ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हिराए, स्वयं ब्रह्मामय हो गया, अर्थात ब्रह्मा के प्रति ऐसा भाव विभोर हुआ कि अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही भूल गया। बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए, मेरी दशा ठीक उसी प्रकार की हो गई जैसे जल की बूंद जो समुद्र से अलग हो गई थी फिर समुद्र में ही मिल गई हो, और समुद्र में उस बूंद के मिलने के बाद सोकत हेरी जाए, उसे कैसे खोजा जा सकता है, अर्थात उसे पुनः पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मालीन जीवात्मा को भी अलग नहीं किया जा सकता। अगली पद्यांश जो कि इस प्रकार है, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करे सो बैठे घर माही। कबीर यहु घर प्रेम का घर नाही, खाला अर्थात मौसी, बैठे अर्थात घुसे, शीस अर्थात मस्तक, हाथी अर्थात हाथ। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि यह घर तो प्रेम का है, मौसी का नहीं, जहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सकता है। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को शीस उतारी हाथी करे, सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, सो बैठे घर माही, तब जाकर कहीं उसे प्रवेश मिलता है। अर्थात जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है तब ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। अंतिम एवं अगली पंक्तियां जो कि इस प्रकार है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। मैं अर्थात आपा यानी अहम भाव, अधियारा अर्थात
अज्ञान रूपी अंधकार, माही अर्थात अपने अंदर। प्रस्तुत साखी में अहंकार के परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। सब अधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान